हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे भूषण आईटीआई चैनल पर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित और विज्ञान में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। डियर फ्रेंड्स, देखो आज हम विस्तार रूप से अनुपात और समानुपात का अध्ययन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पहला टॉपिक है अनुपात, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे डियर फ्रेंड्स रेशियो। तो डियर फ्रेंड्स देखो, समानुपात क्या होता है? समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, तो वह अनुपात कहलाता है। मतलब डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई दो राशि है, समान राशि है, जैसे जैसे यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे भी क्या है, मीटर, तो ये दोनों क्या है, समान राशि है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे को अनुपात ये बताएगा कि जो पहली राशि है वो दूसरी राशि की कितनी गुनी है, मतलब कितना गुना ज्यादा है, ये हमारे को बोध अनुपात करवाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अनुपात होता है अगर किसी दो राशियों के बीच संबंध को हमारे को बताना है तो हम लोग अनुपात का सहायता लेते हैं। मतलब हम लोग अनुपात की सहायता से ही यह बताएंगे कि पहली राशि दूसरी राशि से कितना बड़ा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है राम और दूसरा है श्याम। डियर फ्रेंड्स, एक राम है और एक श्याम है। जैसे डियर फ्रेंड्स, इसके पास 200 रुपए है और इसके पास 500 रुपए है। अगर मेरे को इनको अनुपात के रूप में देखना है, मतलब राम के पास श्याम से कितना गुना कम है या राम से श्याम के पास कितना गुना ज्यादा है, तो इससे इसके लिए हम लोग अनुपात का सहारा लेंगे। तो अनुपात कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे 200 है, अनुपात को डियर फ्रेंड्स इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका अनुपात लिखेंगे 200:500। तो डियर फ्रेंड्स, ये रुपए है और ये भी क्या है, रुपए है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो अपने पास आएगा 2:5। मतलब डियर फ्रेंड्स, राम के पास 2:2 है तथा श्याम के पास 5:5 है, मतलब राम से श्याम के पास 3:3 ज्यादा है, 3:3 ज्यादा रुपए है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे को अनुपात ये बोध करवाएगा कि पहली राशि दूसरी राशि से कितना अधिक है। और डियर फ्रेंड्स, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अनुपात होता है हमारा, वो हमेशा समान राशियों के बीच ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पे रुपए है तो यहाँ पे भी रुपए ही होंगे, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पे भी किलोमीटर होगा। कभी भी असमान राशियों के बीच हम लोग अनुपात फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, अनुपात सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जिसमें यह बोध होता है कि पहली राशि दूसरी से कितना गुना अधिक है या दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी कम है, तो इसे हम लोग अनुपात कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अनुपात को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे 2:5 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/5, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अनुपात ही कहलाएगा, इसे हम लोग 2:5 लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अनुपात ये सिंपल सा होता है कि किसी भी दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को हमारे को देखना हो कि कौन सी राशि कितना गुना अधिक है, तो हम लोग अनुपात की सहायता लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समानुपात का अध्ययन करेंगे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। डियर फ्रेंड्स, समानुपात देखो, जब 2:1 समान हो, अर्थात 2 अनुपातों को सरल करने पर उनका मान समान प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग समानुपात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फोर, जैसे मैंने बोला डियर फ्रेंड्स, 3 और 6 अपने पास, इसको सरल करने पे क्या आएगा अपने पास, 1:2। ऐसे मैं बोलू 9:18, इसको सरल करने पे कितना आएगा, 1:2। तो डियर फ्रेंड्स, ये दोनों अनुपात क्या होंगे, आपस में समानुपात होंगे, क्योंकि इनका मान सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 1:2, दोनों का क्या आ रहा है, बराबर प्राप्त हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के अनुपात को हम लोग समानुपात बोलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, समानुपात को हम लोग लिखते कैसे है, जैसे 3:6 है, इसको अगर समानुपात में लिखना है तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास समानुपात का चिन्ह होता है और इधर क्या लिखेंगे, जो दूसरा अनुपात है। तो डियर फ्रेंड्स, अनुपात समानुपात को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, 3:6 समानुपात 9:18। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 और 18 है, ये हमारे पास बाह्य अनुपात है, बाह्य अनुपात है, तथा जो 3 और 6 है, ये हमारे पास आंतरिक अनुपात है। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो हम लोग बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के। मतलब डियर फ्रेंड्स, जो बाह्य अनुपात है 3 × 18 बराबर होगा किसके, 6 × 9 के। मतलब बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग समानुपात को सोल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, समानुपात हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस होता है,
जैसे 3:6 है, इसको समानुपात में लिखने के लिए 9:18 लिखेंगे और इसको बाह्य अनुपातों का गुणनफल कर देंगे और आंतरिक अनुपातों का गुणनफल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स और रेशो फ्रेकल रेशियो। डियर फ्रेंड्स, अगर वह अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि के बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि घटे या कम हो तो उसे हम लोग विलोम अनुपात कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि अगर कम होती है तो उसे हम लोग विलोमानुपात बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, तथा विलोमानुपात होता है किसके, क्षेत्रफल के। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग लंबाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्र अपना प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अपना जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल का क्या है, विलोमानुपात है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रेशियो है, इनवर्स अनुपात है। मतलब इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, जब हम लोग क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलेंगे, विलोमानुपात, कि जब एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि क्या होगी, कम होगी, तथा जो लंबाई को बढ़ाने पर जो प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब है जितनी लंबाई बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा प्रतिरोध बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे अगर एरिया को बढ़ाएंगे हम लोग तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोमानुपात बोलते हैं या इनवर्स रेशियो बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे दो अनुपात है, ए अनुपात बी, इनका विलोम अनुपात कैसे लिखेंगे, 1/A/1/B, इस टाइप से हम लोग क्या लिखेंगे, इनका विलोम अनुपात लिखेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर 3 और 4 का विलोम अनुपात 1:3 होगा, अनुपात 1/4 होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं 3:4 का विलोम अनुपात कितना होगा, तो आप लोग लिखोगे 1:3 इसका क्या होगा, विलोमानुपात होगा। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या होता है, विलोमानुपात होता है। इसको सोल्व कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों को 1:3 और 1:4 है, ये हमारे पास विलोमानुपात है। अगर हमारे को इनको सरल अनुपात में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम कितना होगा 12, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आएगा 4:4, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 1 से गुणा करा तो 3। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा अपने पास 4:3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सरल अनुपात आएगा, इसका 1:3 1/4 का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 4:3। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग विलोम अनुपात को सॉल्व करते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1:2 1/3 1/4, इसका सरल अनुपात क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे 6 बार, 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 आएगा डियर फ्रेंड्स, और अनुपात का चिन्ह लगाओगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, और 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर 4 का इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 को 1 से गुणा करो तो 3। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6:4:3, इसका सरल अनुपात होगा। डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग विलोम अनुपात को सरल अनुपात। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग द्विघात अनुपात की बात करेंगे, जिसे दूसरे नाम से बोलते हैं वर्ग अनुपात। डियर फ्रेंड्स, द्विघात अनुपात या वर्ग अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे को कोई 3 अनुपात दे रखा है, ए बी और सी, इनका अगर हम लोगों को द्विघात अनुपात निकालना है तो हमारे को उसका स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर होगा। मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई अनुपात दे रखा है 2, 3, 4 चाहे कितने भी, अगर हमारे को उनका द्विघात अनुपात यानी वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो उसके लिए हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उससे हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। जैसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 2:3:5, अगर हमारे को इसका द्विघात अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट इसका क्या कर दो, स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये इसका क्या होगा, 2:3:5 का ये एक द्विघात अनुपात होगा या डुप्लीकेट रेशियो होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग द्विघात अनुपात निकालते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स, हमारे को वर्गमूलानुपात निकालना है, जैसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो,
अगर डियर फ्रेंड्स हमारे को 2 या 3 अनुपात ऐसे देगा और उनका हमारे को वर्गमूल अनुपात निकालना होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास 3 अनुपात है, ए अनुपात, बी अनुपात, सी, इसका अगर वर्गमूल अनुपात निकालना है तो इसका क्या ले लो, रूट। अगर इसका रूट ले लेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल अनुपात प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 4, अगर जैसे एग्जाम्पल है 4:9:64, इसका वर्गमूल अनुपात क्या होगा, ये हमारे को निकालना है तो इनका क्या ले लेंगे हम लोग, रूट, यानी √4:√9:√64। तो डियर फ्रेंड्स √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 और √64 की वैल्यू कितनी होती है 8। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूल अनुपात का मान फाइंड आउट करते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स हमारे को किन्हीं दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना है यानी मिडल रेशियो, मध्य अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं मिडल रेशियो। डियर फ्रेंड्स अगर हमारे को ए तथा बी दो संख्याएं ऐसी है जिनके लिए हमारे को मध्य अनुपात लिखना है, तो डियर फ्रेंड्स देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसे लिखेंगे ए अनुपात, जो मध्य अनुपात होता है उसे मान लेंगे हम लोग एक्स। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है ये हमारे ए और बी ये हमारे बाह्य अनुपात होते हैं और जो एक्स इंटू एक्स होता है ये क्या होता है अपना आंतरिक अनुपात होता है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है बाह्य अनुपातों का गुणनफल आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाह्य अनुपात होंगे उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, आंतरिक अनुपात के बराबर होगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 अनुपात है आपके पास ए तथा बी। तो डियर फ्रेंड्स ए और बी का हमारे को अगर मध्य अनुपात निकालना होगा तो हमारे को मध्य अनुपात क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक्स मानेंगे। अब आप लोगों को पता है कि बाह्य अनुपातों के बराबर होता है अपना आंतरिक अनुपात। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे एक्स मानेंगे तो यहाँ पे भी क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बाह्य अनुपात होता है उनका गुणनफल आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे एक्स मानेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को एक्स मानना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर आंतरिक अनुपातों का गुणनफल। तो बाह्य अनुपातों का गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी, और आंतरिक अनुपातों का गुणनफल होगा एक्स इंटू एक्स। तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा ए इंटू बी। तो इस प्रकार से हम लोग अगर दो संख्याएं हमारे को दे रखी है तो उसका हम लोग मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 और 9 का हमारे को मध्य अनुपात लेना है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 4 और 9 तो हमारे पास दो संख्या है और इसका हमारे को मध्य अनुपात लेना है तो हमारे को मध्य अनुपात क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को बाह्य अनुपात किसके बराबर करना है, आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के बराबर करना है, बाह्य अनुपातों का गुणनफल। तो डियर फ्रेंड्स बाह्य अनुपातों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 4:9 के, और आंतरिक अनुपातों का गुणनफल किसके बराबर होगा, एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स इंटू एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 4:9 के। तो डियर फ्रेंड्स एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो डियर फ्रेंड्स जब इसका ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, रूट आएगा। तो डियर फ्रेंड्स रूट की वैल्यू होगी 36 की हमारे पास 6। तो डियर फ्रेंड्स जो 6 होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनका मध्य अनुपात होगा। और डियर फ्रेंड्स इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जैसे हमारे पास क्या होता है, आंतरिक अनुपातों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य अनुपातों के गुणनफल के। तो डियर फ्रेंड्स एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स किसके बराबर होगा, 4:9 के। तो डियर फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 6:6 और 4:9। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 36 और इधर भी क्या आएगा, 36। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, मतलब अगर हमारा बाह्य अनुपातों का गुणनफल आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के बराबर आता है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही। डियर फ्रेंड्स अगर हमारे को तृतीय अनुपात निकालना है यानी इसे बोलते हैं थर्ड रेशियो। डियर फ्रेंड्स अगर दो संख्याओं का हमारे को तृतीय अनुपात निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे डियर फ्रेंड्स अगर हमारे पास ए तथा बी दो संख्या है, इनके लिए हमारे को तृतीय अनुपात लेना है। तो डियर फ्रेंड्स देखो हमारे को कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे हम लोग ए और बी, तो डियर फ्रेंड्स ए और बी को ऐसा लिखेंगे ए अनुपात बी। अब डियर फ्रेंड्स हमारे को तृतीय अनुपात निकालना है, लेकिन डियर फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे देखो आप बी आ गया। तो डियर फ्रेंड्स अपना क्या होता है, आंतरिक अनुपातों का गुणनफल क्या होता है, बाह्य अनुपातों के गुणनफल के बराबर होगा। तो डियर फ्रेंड्स आंतरिक अनुपात क्या होंगे, बी। अब डियर फ्रेंड्स ये बी है जो इसका क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो
हमारे पास यहाँ बी का क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग तृतीय अनुपात के लिए क्या मानेंगे, डिफरेंस एक्स। डिफरेंस ये जो नाम का तृतीय अनुपात होता है, वैसे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चतुर्थ अनुपात। तो डिफरेंस जो चतुर्थ अनुपात होता है अपना और जो तृतीय अनुपात होता है, ये दोनों एक ही बात होती है। अगर हमारे को क्वेश्चन में तृतीय अनुपात के लिए बोले तब भी हमारे को यही निकालना है, और अगर हमारे को चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बोले तब भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्स का मान ही निकालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग बाह्य अनुपातों का गुणनफल, ए इंटू एक्स किसके बराबर होगा, बी इंटू बी के। तो डियर फ्रेंड्स बी इंटू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, और अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर हो जाएगा अपना डियर फ्रेंड्स बी इंटू बी अपॉन ए। तो डियर फ्रेंड्स एक्स बराबर अपना आएगा आंसर बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर हमारे को दो संख्या ऐसी दे रखी है और उनका तृतीय अनुपात निकालना है, तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। ये अगर ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तृतीय अनुपात। डियर फ्रेंड्स इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे चार और छह का हमारे को तृतीय अनुपात देना है। तो डियर फ्रेंड्स चार और छह के लिए हम लोग चार और छह को ऐसा ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रिपीटेशन करेंगे और यहाँ पे क्या मान लेंगे एक्स। तो डियर फ्रेंड्स बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर कर देंगे आंतरिक अनुपातों के गुणनफल के। तो डियर फ्रेंड्स 4 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 6 इंटू 6 के, यानी एक्स बराबर हो जाएगा अपना डियर फ्रेंड्स 36 अपॉन 4। 36 अपॉन 4 में जब डिवाइड दोगे तो आप लोग कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि एक्स का मान कितना है, 9। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग चेक कर सकते हैं इसको हमारा सही है या गलत है। तो डियर फ्रेंड्स 6 इंटू 9। तो डियर फ्रेंड्स आंतरिक अनुपातों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य अनुपातों के गुणनफल के, यानी 4 इंटू 9 बराबर किसके होगा, 6 इंटू 6 के। इधर आएगा 36 और इधर भी आएगा 36, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर। तो डियर फ्रेंड्स हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एकदम सही है। डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास अनुपात और समानुपात में फर्स्ट टाइप है, मतलब क्वेश्चन का टाइप है ये कि इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात में। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास टाइप फर्स्ट है, यदि ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई है तथा बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का टाइप है, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात में। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, तो डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, एक्स अनुपात वाई, और हमारे पास b और c की वैल्यू कितनी है, p अनुपात q। तो डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व करने का तरीका ये है हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। हमारे पास a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, x अनुपात y, तो हम लोग इसके नीचे लिख देंगे x अनुपात y। डियर फ्रेंड्स हमारे पास b अनुपात c की वैल्यू कितनी है, p अनुपात q, तो b और c के नीचे लिख देंगे p अनुपात q। तो डियर फ्रेंड्स हमारा ये वाला पोर्शन खाली रह जाएगा यहाँ पे और ये वाला पोर्शन खाली रह जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को इसका रिपीटेशन करना है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या करना है, y कर देना है, और यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी क्या कर देना है, p कर देना है, क्या कर देना है, p। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पूरा काम हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हमारे जो भी रिक्त स्थान थे वो हमारे पूर्ण भर जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणनफल, यानी x इंटू p अनुपात y इंटू p अनुपात y into q अनुपात y into q, यानी x अनुपात p into y अनुपात, सॉरी x into p अनुपात y into p अनुपात y into q। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे a की वैल्यू जो आई है अपने पास a b और c, तो डियर फ्रेंड्स a की जो वैल्यू आई है वो आई है अपने पास xp, और जो b अनुपात है उसकी वैल्यू आई है yp, और जो c अनुपात है उसकी वैल्यू आई है yq। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 है, तो हमारे को ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को वही तरीका लगाना है, इसमें ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:5, बी अनुपात सी अपना 6:7। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 4:5, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। डियर फ्रेंड्स हमारे पास बी और सी की वैल्यू कितनी है, 6:7, तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने इसके नीचे लिख दिया बी अनुपात सी के। डियर फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन हमारा खाली रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, यानी 5, और यहाँ पे ये पोर्शन खाली रहेगा इसको यहाँ पे रिपीट कर देंगे 6। तो डियर फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 24, और अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, और 5 × 7 = 35। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास अनुपात आएंगे 24:30:35।
डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ए अनुपात की वैल्यू है वो है 24 और जो हमारे पास सी अनुपात की वैल्यू है वो हमारे पास है 35। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो ए अनुपात सी आएगा वो आएगा हमारे पास 24:35। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का एक और टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास सेकंड मेथड है। अगर हमारे पास ए अनुपात बी कितना दे रखा है हमारे को, ए अनुपात दे रखा है 4:5 और हमारे को बी अनुपात सी दे रखा है 6:7, तो हमारे को ए अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, मतलब यहाँ दोनों जगह क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है अपना, दोनों जगह क्या आ रहा है अपना, बी कॉमन आ रहा है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस जो बी का मान है इसको समान करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी बी का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को इस दोनों अनुपातों को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि बी का मान क्या हो जाए, समान हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं इसको, इस पूरे अनुपात को और इस पूरे अनुपात को, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं इस अनुपात को गुणा कर दूं, अगर डियर फ्रेंड्स इस अनुपात को मैं गुणा कर दूं 6 से और इसको गुणा कर दूं मैं 5 से, तो डियर फ्रेंड्स हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी बनेगा हमारा 6×24 और 6×5 यानी 30। तो कितना रहेगा 30। तो ए अनुपात बी आ जाएगा, डिफरेंस हमारा 24:30 और जो बी अनुपात सी है वो कितना हो जाएगा अपने पास 5×6=30 और 5×7=35। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो बी का मान था वो दोनों में क्या हो गया, समान हो गया, क्या हो गया, समान हो गया। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो डियर फ्रेंड्स ए की वैल्यू अपने पास आई है 24 और बी की वैल्यू आई है 30, यहाँ पे भी 30 है यहाँ पे भी 30 है, तो 30 लिख देंगे यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी आई है 35। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग उसी टाइप से क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास सेम टू सेम। तो डियर फ्रेंड्स ए अनुपात सी क्या होगा इसमें भी 24:35 यानी 24:35 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, इस टाइप के, अगर इस तरीके से करते हो तो ये भी सही है और अगर इस तरीके से करते हो तो भी सही है। तो डियर फ्रेंड्स आपके पास दो, डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो अनुपात और समानुपात से पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स सेकंड टाइप क्या है, यदि एक्स, डियर फ्रेंड्स एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई राशि हो सकती है या कुछ मूल्य हो सकता है या कोई रुपये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डियर फ्रेंड्स अगर ये एक्स कोई वस्तु है, इसको हमारे को पी तथा क्यू कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई आदमी का नाम हो सकता है। डियर फ्रेंड्स तो हमारे को अगर एक्स कोई वस्तु है उसको पी तथा क्यू के मध्य ए अनुपात बी में बांटना है, मतलब ए अनुपात बी में इनको क्या करना है, बांटना है। तो डियर फ्रेंड्स वो हम लोग कैसे बांटते हैं वो सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों के पास अगर दो व्यक्ति है पी तथा क्यू तथा इनके मध्य अनुपात है ए अनुपात बी, मतलब जो पी का हिस्सा है वो ए के बराबर है और क्यू का जो हिस्सा है वो है बी के बराबर। तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों को ये निकालना रहता है कि पी का भाग, मतलब जो एक्स रुपए है इसमें से पी का भाग कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स पी का भाग निकालेंगे हम लोग पी का अनुपात बटा अनुपातों का योग इनटू कुल मूल्य। तो डियर फ्रेंड्स पी का अनुपात कितना अपने पास ए, मतलब पी के पास जो मिलेगा उसको एक्स रुपए में से वो कितने अनुपात के बराबर मिलेगा, ए के बराबर। तो डियर फ्रेंड्स ए को लिखेंगे ऊपर और अनुपातों का योग यानी ए प्लस बी दोनों अनुपातों का क्या कर देंगे योग इंटू कुल, कुल जो मूल्य है अपने पास वो कितना है एक्स रूपये, तो यहाँ पे एक्स का क्या कर देंगे गुणनफल। तो हमारे पास जो पी का भाग होगा वो आएगा हमारे पास ए बटा ए प्लस बी इंटू एक्स। डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगर क्यू का भाग निकालना है तो हम लोग ऊपर लिखेंगे क्यू का अनुपात और बटे में लिखेंगे अनुपातों का योग इंटू कुल राशि। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्यू का जो भाग है वो है बी, तो यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा और बटे में क्या आएगा अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग क्या है ए प्लस बी और उसको गुणा कर देंगे किससे कुल मूल्य से। तो यहाँ से हम लोग P और Q का भाग निकाल सकते हैं। P का भाग निकालने के लिए P के अनुपात को ऊपर रखेंगे और अनुपातों का योग कर देंगे और कुल मूल्य से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग P और Q का भाग निकाल सकते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स मैं बात करूं इसी में, जैसे मेरे पास 300 रुपए है
दो व्यक्ति है मेरे पास, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति ए और बी, ए और बी है, उनको उनको ये रुपए एक अनुपात दो में बांटना है, एक अनुपात दो में बांटना है तो ए तथा बी को कितना मिलेगा, ए तथा बी का भाग क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स ए तथा बी का भाग क्या होगा ये निकालना है अपने को। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, 300 रुपए है और दो व्यक्तियों में बांटने हैं, ए तथा बी में, और उन कितने अनुपात में बांटना है, एक अनुपात दो में। तो डियर फ्रेंड्स कैसे सोल्व करेंगे, देखो ए का अगर हमारे को भाग निकालना है, ए का भाग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए का भाग बराबर ए का अनुपात कितना है, वन, तो वन यहाँ पुट कर दो, अनुपातों का योग कितना है, एक दो कितना हो जाएगा, तीन, एक प्लस दो कितना हो जाएगा, तीन, इनटू कुल मूल्य कितना है, 300 रुपए, कुल मूल्य कितना है, 300 रुपए, अपने पास कुल मूल्य 300 रुपए है, तो 300 को क्या कर दो, गुणा। तो डियर फ्रेंड्स अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 रुपए, मतलब जो ए के पास जाएगा वो जाएगा 100 रुपए। और बी का भाग निकालना है तो कैसे निकालोगे, बी का भाग बी का भाग निकालने के लिए बी के अनुपात को कहाँ रखोगे, ऊपर, अपॉन अनुपातों का योग 3 है इंटू 300। तो डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 200 रुपए, कितना आएगा, 200 रुपए। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग क्या निकालेंगे, ए और बी का भाग निकाल लेंगे। ए का भाग निकालने के लिए ए के अनुपात को ऊपर रखेंगे और बट्टे में रखेंगे अनुपातों का योग इंटू जो कुल मूल्य दे रखा है उससे गुणा कर देंगे, तो अपने पास कितना जाएगा, 100 रुपए। और बी का जो भाग होगा वो निकालेंगे, बी का अनुपात अपॉन अनुपातों का योग इंटू कुल मूल्य, तो बी का अनुपात अपने पास 2 है और कुल अनुपातों का योग 3 है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 200। तो डियर फ्रेंड्स ए को मिलेंगे 200 रुपए और बी को मिलेंगे 200 रुपए। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास सेकेंड टाइप है अनुपात को सोल्व करने का क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात का, इसको हमारे को सोल्व करना है। तो डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है तो सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग होगा, ये हमारे को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास त्रिभुज में तीन कोणों का अनुपात दे रखा है, 4, 5 और 6। तो डियर फ्रेंड्स जब भी अनुपातों में अगर हमारे को कोई वस्तु दे, जैसे कोण यहाँ पे अनुपात में दिया है, तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे को रियल वैल्यू हमारे को पता नहीं है कोणों की, हमारे को क्या दे दिया, उसने अनुपात दे दिया। तो डियर फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या मानेंगे कि माना माना त्रिभुज के कोण, मैंने मान लिया माना त्रिभुज के कोण उनके अनुपातों के रूप में मानेंगे। डियर फ्रेंड्स जैसे माना त्रिभुजों के कोण, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोण होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो होगा 4x और एक होगा 5x और एक होगा 6x। तो डियर फ्रेंड्स मैंने त्रिभुज के तीनों कोणों का मान मान लिया, 4x, 5x और 6x। डियर फ्रेंड्स हमेशा जब भी अनुपात का क्वेश्चन हो तो उसमें हमारे को एक ही वेरिएबल के रूप में मानना है। जैसे यहाँ पे मैंने x के रूप में माना यानी 4x, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे, 5x ही मानेंगे, और यहाँ पे क्या मानेंगे, 6x। अगर डियर फ्रेंड्स अब हम लोगों ने अलग मान लिया तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स जब भी हमारे को अनुपातों का क्वेश्चन आए ऐसा, तो हमारे को क्या मानना है, एक्स की फॉर्म में ही उसके क्या मानने हैं, वैल्यू मानने हैं। जैसे माना त्रिभुज के तीनों कोण मैंने मान लिए 4x, 5x और 6x। तो डियर फ्रेंड्स त्रिभुज का जैसे ये वाला कोण हो गया 4x, ये वाला हो गया 5x और ये वाला हो गया 6x। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है अपने पास, तीनों कोणों का योग होता है अपने पास 180 डिग्री। तो डियर फ्रेंड जो ये तीन कोण है अपने पास, 4x, 5x और ये 6x, तो डियर फ्रेंड्स इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स इन तीनों का क्या कर दो, योग कर दो आप, 5x, 4x प्लस 5x बराबर 6x बराबर 180। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा डियर फ्रेंड्स 15x, कितना आएगा, 15x बराबर 180। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से x का मान निकालोगे जब आप लोग, तो x का मान आपके पास आएगा 12, x का मान आएगा डियर फ्रेंड्स आपके पास 12। तो डियर फ्रेंड्स x का मान अपने पास आ गया 12, तो हम लोग
तीनों कोणों का मान निकाल सकता है। तो जो पहले कोण का मान होगा वो कितना होगा अपने पास 4 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 12, तो ये अपने पास आएगा 4x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48 डिग्री, और जो अपने पास 5x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 इंटू 12 यानी कितना आएगा 60 डिग्री, और जो अपने पास 6x है इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 6 इंटू 12 यानी 72 डिग्री। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास तीनों कोण आ गए 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री, तीनों कोणों के मान हमारे पास आ गए। डियर फ्रेंड्स हमारे सिक्स क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग होगा, तो डियर फ्रेंड्स सबसे छोटा कौन सा कोण है 48 डिग्री और सबसे बड़ा कोण कौन सा है 72 डिग्री, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा अपने पास, दोनों का जब योग करोगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा अपने पास 120 डिग्री, मतलब छोटे और बड़े कोण का योग कितना होगा 120 डिग्री। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग अनुपातों के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा चैप्टर समझ में आया अनुपात और समानुपात, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।